क्वेश्चन नंबर 21। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर। देखिए ए और बी और सी यूनिट वेक्टर है, तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड, इन सभी के मैग्नीट्यूड क्या है, वन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जीरो का स्क्वायर इज जीरो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नाउ ए स्क्वायर इज वन क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये भी वन, ये भी वन, प्लस टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, थ्री हो जाएगा, उधर चले जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर 2a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस 2b वेक्टर, वेयर a वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सबसे पहले हम उस अननोन वेक्टर को x इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लेट कर लेते हैं। नंबर टू हमसे निकालने को बोला गया है 2a, तो 2a क्या हो गया, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, 2a प्लस b क्या हो गया 2i प्लस i 3i, 4j प्लस j 5j माइनस 2k प्लस k माइनस k। सिमिलरली 2b 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब a माइनस 2b करना है हमको, तो i माइनस 2i माइनस i, 2j माइनस 2j 0j, माइनस k माइनस 2k माइनस 3k कैप। परपेंडिकुलर टू ईच मतलब इससे भी डॉट प्रोडक्ट जीरो और इससे भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो आइए निकालते हैं। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री एक्स प्लस फाइव वाई माइनस z इज इक्वल टू जीरो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस थ्री के कैप, ये भी जीरो के इक्वल है, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस थ्री जेड, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और हम जानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस थ्री जेड पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन जेड प्लस फाइव वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, फाइव वाई इज इक्वल टू टेन जेड, वाई इज इक्वल टू टू जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, हमारा एक्स आ गया माइनस थ्री जेड, वाई आ गया टू जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो नाइन जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर
plus z square is equal to 1. 14z square is equal to 1, z is equal to plus minus 1 by root 14. अगर ये z आ गया, हमने y क्या माना था, 2z, तो वो 2 by root 14, जब हम plus लेंगे और minus लेंगे तो minus 2 by root 14, और x हमारा आएगा minus 3z, जब हम plus लेंगे तो minus 3 root 14, और जब minus लेंगे तो 3 रूट 14. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन रूट 14 जे कैप. ये 1 नहीं है, माइनस 3 है, x पहले लिखेंगे हम, प्लस 1 अपॉन रूट 14 के कैप कॉमा 3 अपॉन रूट 14 आई कैप माइनस 2 अपॉन रूट 14 जे कैप और माइनस 1 अपॉन रूट 14 के. ये हमारा फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर मैक्सिमाइजेशन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 1000x प्लस 600y. x प्लस y इज लेस देन 200. 4x माइनस y इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 20. हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स. वो हम कैसे चेक करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, 0 माइनस 0 ये भी ट्रू, लेकिन 0 ग्रेटर देन 20 ये फॉल्स. तो ये दोनों को हम कहां शेड करने वाले हैं, टूवर्ड्स और इसको अवे. आइए पहले इनके सॉल्यूशन निकालें. x प्लस वाई 200 और 4x माइनस वाई, तो x y, अगर x 50 है y 150, x 100 है y 100 और x 150 है y 50. ऐसे ही इधर अगर x 25 है y 100, x 50 है तो y 200 और x 100 है तो y 400. और हमारी तीसरी लाइन है x greater than equal to 20. अब आइए इन तीनों को ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारे पास पॉइंट्स है 50, 150, 100, 100, 150, 50. ऐसे दूसरे पॉइंट 25, 100, 50, 200 और 100, 400. और एक लाइन हमको गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20. आइए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं. 0, 50, 50 का गैप ले लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. और इधर 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. तो 50, 150 ये पॉइंट यहां आ गया, 100, 100 और 150, 50, तो एक लाइन हमारी ये बन गई. नंबर टू 25, 100, 50, 200, 100, 400. एक लाइन हमारी ये बन गई. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 40, 160. और एक लाइन है हमारे पास
40,160 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। हमें क्या निकालना है, जेड, जेड क्या है 1000x प्लस 600y, एक्स हमारा कितना आ गया 40, वाई 160, 40,000 प्लस 96,000 विच इज इक्वल टू 1,36,000, ये हमारा मैक्सिमम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, बैग ए कंटेन्स टू रेड एंड थ्री ब्लैक बॉल्स व्हाइल अनदर बैग बी कंटेन्स थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। प्रोबेबिलिटी का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो मेरी आप सबके लिए एक ही एडवाइस है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड वंस अगेन, आप एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और फिर पढ़ें। देखिए बैग ए और बैग बी दो बैग्स, तो बैग ए और बी दोनों में से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ए की भी 1/2 और बी की भी 1/2। अब ए में हम जानते हैं दो रेड हैं तीन ब्लैक हैं, और बी में तीन रेड हैं चार ब्लैक। अब हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने बैग बी में से बॉल निकाली, बॉल तो रेड ही निकली है हमारी, तो बैग ए या बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ है। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बैग बी में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है यहां पर 7 अपॉन हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 7 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय, हो सकता है बैग वन ए में से निकाली हो, तो यहां प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5। तो अगर हम हाफ हाफ कॉमन ले कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचता है 3/7 अपॉन 3/7 प्लस 2/5 विच इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 + 14 = 29, 35/29 रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर आकर, 7 से 5 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 15/29 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स अ सैंपल ऑफ 2 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब आप देखिए इसमें से हमें कह गया है कि 6 बल्ब डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/30 1/5, और जो बल्ब सही है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/5। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू ncx qn माइनस x px। इसमें हमारा n, क्योंकि हमने दो बल्ब निकाले हैं, तो n हमारा हो गया 2 और x हो गया 0 से लेकर 2 तक। तो आइए x इज इक्वल टू 0 निकालते हैं पहले, तो n की जगह आप 2 पुट कीजिए, x की जगह 0, q हमारा 1/5 की पावर 0, 4/5 की पावर 2 माइनस 0, 2 से 0 इज 1, 1/5 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 16/25। ऐसे px इज इक्वल टू 1, तो 2c1, 1/5 की पावर 1 डॉट 4/5 की पावर 2 माइनस 1, 2c1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 विच इज इक्वल टू 8/25, और px इज इक्वल टू 2 विच इज 2c2 1/5 की पावर 2 4/5 की पावर 2 माइनस 2, तो ये हो गया 1 × 1/25 × 1 विच इज 1/25। तो हमारे आंसर्स आ गए x 0 1 2, px आ गए हमारे 0 पर 16/25
वन पर 8/25 और 2 पर 1/25। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और एन और एक्स क्या होते हैं इसका ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। जब भी इन टाइप के क्वेश्चन आए जहां आपको दिख रहा है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो हमें क्या करना है, हमें इनको ए माइनस बी के फॉर्म में लाना है। तो आप देखिए ए इधर है, बी इधर है, ए माइनस बी कैसे बनेगा, जब मैं इन दोनों रो को माइनस करूंगा, आर वन में से आर वन माइनस आर टू करूंगा, सिमिलरली आर टू में से आर टू माइनस आर थ्री करूंगा। और जब हम माइनस करने ही कहते हैं रो में से, तो ये पूरी रो माइनस होगी। और ऑपरेशन किस पे लगा रहे हैं, आर वन और आर टू पर, तो सिर्फ चेंजेस आप इन्हीं दो रो में करेंगे, थर्ड रो को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये हमारा बन गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस ए, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस बी। और क्योंकि थर्ड रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, सी सी स्क्वायर ए प्लस बी। हमारा पहला स्टेप ये था। अब हम कोशिश करेंगे कि क्या किसी रो में से, किसी कॉलम में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए आप, ए माइनस बी अगर मैं कॉमन निकालता हूं और बी माइनस सी अगर मैं कॉमन निकालता हूं, बी माइनस सी मैंने सेकेंड रो से लिया है, ए माइनस बी फर्स्ट रो से, ए माइनस बी में से ए माइनस बी कॉमन लिया वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसमें से आप ए माइनस बी निकाल लेंगे अगर, तो क्या बचेगा ए प्लस बी, और बी माइनस ए में से ए माइनस बी निकालेंगे तो माइनस वन। सिमिलरली वन बी प्लस सी माइनस वन, और सी सी स्क्वायर ए प्लस बी, क्योंकि इसमें से हमने कुछ कॉमन लिया, एज इट इज लिख दीजिए। सेकेंड टारगेट हमारा होता है कि हमें दो जीरोस बनाने होते हैं। जीरो आपको पता है कैसे बनते हैं, जब सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो हम एक काम करते हैं, पहली रो में से सेकेंड रो को फिर माइनस करते हैं। देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी पहले ही बाहर है, वन में से वन माइनस किया जीरो, ए माइनस सी, माइनस वन में से माइनस वन किया जीरो, वन, बी प्लस सी माइनस वन, सी सी स्क्वायर ए प्लस बी। अब आप देखिए क्या मैं इस ए माइनस सी को वापस कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा हमारा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, जीरो वन, जीरो वन, बी प्लस सी माइनस वन, सी सी स्क्वायर ए प्लस बी। अब आपके दो जीरो भी बन गए, सिंपलीफाई भी हो गया। अब आप डिटरमिनेंट ओपन कर दीजिए, तो डिटरमिनेंट सिर्फ वन का ओपन होगा क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे। तो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी पहले ही है। मैं a माइनस सी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 27, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें y गिवन है साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, हम इसका dy बाई dx निकालते हैं। तो साइन इनवर्स x होल स्क्वायर क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स x, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम साइन इनवर्स x का भी करेंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो हमारा dy बाय डी एक्स आया 2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर
into denominator as it is, 2 sin inverse x and differentiation 2 upon sin inverse x ka 1 minus x square minus numerator as it is root 1 minus x square ka 1 upon 2 root 1 minus x square dot 1 ka 0 x square ka 2x chain rule se kara humne ye 2 se 2 cancel so ye cancel it is equal to 2 कॉमन ले लेते हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इनवर्स एक्स ये माइनस और माइनस प्लस कर देते हैं तो 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर रूट नहीं है क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है ठीक है तो भाई ये वैल्यू पुट करते हैं हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारा आया 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में प्रूफ करना है इससे ये कैंसिल हमारे पास बच गया 2 प्लस 2x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो इस 2 से ये 2 कैंसिल इससे ये कैंसिल क्या बचा 0 हमें यही प्रूफ करना था तो हेंस प्रूफ्ड क्वेश्चन नंबर 28 एवलुएट x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx 0 से पाई तो हमें i गिवन है 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x हम एक i और लिख सकते हैं 0 से पाई आप x की जगह लिख दीजिए पाई माइनस x जहां भी एक्स लिख दीजिए पाई माइनस एक्स तो ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई ये इक्वेशन 2 हो गई हमने कौन सा रूल इस्तेमाल किया है इसमें बी से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी से ए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स तो हम इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करने जा रहा हूं तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स पाई को हम बाहर लेते हैं 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा हमने क्यों माना क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है साइन एक्स डी एक्स देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लेकिन अब लिमिट में भी चेंज होगा एक्स की वैल्यू आप जीरो पुट करो लिमिट क्या हो गई 1 और माइनस 1 तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी होता है 1 से माइनस 1 1 कब होता है टेन इनवर्स माइनस 1 कब होता है माइनस पाई बाय 4 1 कब होता है पाई बाय 4 हमारा आंसर आ गया
minus pi by 2 multiplied by minus pi by 2, which is equal to pi square upon 4. Clear? Question number 29. Solve the differential equation 2xy plus y square minus 2x square dy by dx is equal to 0. डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि किस टाइप की इक्वेशन है। तो आइए पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। 2xy plus y square is equal to 2x square dy by dx। तो ये हो गया 2xy plus y square upon 2x square is equal to dy by dx। तो ये एक होमोजीनियस फॉर्म में है, तो हमें इसमें y को vx मानना पड़ेगा, तो dy by dx हो जाएगा v plus x dv by dx। तो जहां भी y है वहां लिख दो vx और dy by dx क्या आ गया हमारा v plus x dv by dx। तो x square common 2v plus v square upon 2x square is equal to v plus x dv by dx। x square से x square cancel, v plus v square by 2 is equal to v plus x dv by dx। v से v cancel, तो ये आ गया dx by x is equal to 2 dv upon v square। दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो log x इज इक्वल टू 2 v की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो log x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन v प्लस c, और हमने v को क्या माना था y बाय x, तो क्या माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एक्स माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन वन एंड एक्स माइनस टू अपॉन टू वाई प्लस वन अपॉन वन एंड जेड प्लस वन अपॉन टू। हमें दो लाइंस गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, अगर लाइन इस फॉर्म में हो तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर। तो हमें जो लाइन गिवन है वो है x माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू y माइनस टू अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू z माइनस वन अपॉन वन। तो हमारा x वन क्या हो गया वन, x टू टू, y वन, z वन वन। ऐसे ही दूसरे लाइन को गिवन है x माइनस टू अपॉन टू is equal to y plus 1 upon 1 is equal to z plus 1 upon 2। ये क्या हो गया x2 क्या हो गया 2, y2 minus 1, z2 minus 1। ऐसे ही a1 1, b1 minus 1, c1 1, a2 2, b2 1, c2 2। हमारे पास x1, y1, z1, a1, b1, c1, x2, y2, z2, a2, b2, c2 आ गए। अब हम सबसे पहले काम करते हैं डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1, a2, b1, b2, c1, c2। x2 माइनस x1 2 माइनस 1 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब
a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 1 1 2 -3 -1 1 -2 1 2, इसको एक्सपेंड करना है। तो 1 -1 1 1 2 +3 1 1 2 2 -2 1 -1 2 1, तो ये आ गया -2 -1 +3 2 -2 -2 1 +2। तो -3 +0 -6 = -9, ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब हम निकालते हैं रूट a1 b2 - a2 b1 whole square + b1 c2 - b2 c1 whole square + c1 a2 - c2 a1 whole square। a1 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो a1 है 1 b2 है 1 -a2 है 2 और b1 है -1 whole square b1 है -1 c2 है 2 -b2 है 1 c1 है 1 + c1 है 1 a2 है 2 - c2 है 2 और a1 है 1। तो 3 whole square - 2 - 1 + 3 whole square 0 = √2। तो हमारा डिस्टेंस आ गया -9/√2 = √2 3√2/2।